हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वैली फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ज़्यादा मैं कोकण से हूँ। और आज आपने देखा होगा रंगोली को, तो आज मैंने रंगोली निकाली है। मैं आपको कल ही बताया था कि इस चैनल पर अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ, तो बस इसी की शुरुआत है। तो अभी बजे है 12, क्योंकि आज मैं सुबह से काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा कपड़े धोने थे, तो पहले कपड़े भी धो लिए और बाद में सोचा कि मैं बाद में व्लॉग को शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सारे कपड़े जो है वो मैंने धो लिए हैं और बस इसको सूखने के लिए इस तरह से रख दिया है। तो चलिए अब किचन की ओर चलते हैं, क्योंकि 12 बज गए तो लेट भी हो गया है। सुबह से नेट का ही चल रहा है, नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा है। अभी भी ट्राई कर रही थी, बट पता नहीं क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है ठीक से। कितने बजे तक मैं वेट कर रही थी, आई थिंक आधा घंटा मैंने वेट किया कि अभी वीडियो अपलोड होगा ठीक से, क्योंकि 90% हो गया था, 10% बाकी था, बट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं भी शुरू कर देती हूँ व्लॉग को, क्योंकि उसको मैं ऐसे ही देखती रहूँगी ना तो मेरा काम नहीं होगा। तो अभी मैं जो लंच का है वो बनाने वाली हूँ। और आज मैंने आपको दिखाया नहीं ना कि मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, ये देखो। ये इयररिंग्स ना मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, मेरे फेवरेट इयररिंग्स है। और ये जो स्टार है और ये जो स्टोन बॉल है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। और आज मैंने ये वाला ब्रेसलेट पहना है, ये ब्लर हो रहा है, ये देखो। ये सिंपल सा ब्रेसलेट है, मेरे पास ना और भी था बट वो मुझे ना मिल ही नहीं रहा था, तो इसके वजह से ये मिल गया पहले, तो मैंने ये ही पहन लिया। गुड इवनिंग, अभी शाम हो गई है और शाम के 5 बज गए हैं और एकदम मौसम अचानक से चेंज हो गया है। वैसे सुबह से थोड़ा सा चेंज था ही, बट अभी और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। थोड़ी सी धूप आ रही है और बाहर देखो थोड़ी हवा भी है। और यहाँ पे जैसे बारिश का सीज़न होता है ना, वैसे हो रहा है और आई थिंक आज बारिश होने वाली है। तो जो बारिश है ना, वो थोड़ी देर तक ही हो गई थी, अभी कुछ भी नहीं है और एकदम पूरा जो है ना वो क्लियर हो गया है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। और अभी मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। एक्चुअली मैं कब से बोल रही थी, कब से सोच के रखा था कि मैं ये बना दूँगी, बट नहीं हो रहा था। तो आज मैंने ठान ही दिया है कि नहीं, आज मैं ये बनाऊंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट अप्पे, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है स्वीट अप्पे। तो कल मैंने जो बनाए थे ना स्वीट अप्पे, मैं स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाए थे, हमने ब्रेकफास्ट के लिए बनाए थे। तो वो जो अप्पे थे ना, वो सिंपल नॉर्मली जो बनाते हैं ना वही थे, सिंपल अप्पे थे। उसमें मैंने कुछ और नहीं डाला था, सिर्फ उसमें धनिया डाला था और थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च डाला था। बट इस अप्पे में वो अप्पे सिंपल, एकदम सिंपल, और ये मैं बना रही हूँ वो स्वीट अप्पे है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ पे रखा है, अभी याद आ गया मुझे। पहले मूंगफली जो होती है ना, उसको भूनना होता है, तो मैं मूंगफली को भून लेती हूँ। तो फर्स्ट स्वीट अप्पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे मूंगफली लेनी होती है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को लिया है, थोड़ी सी मूंगफली उसमें डालना होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मूंगफली ले लूँगी। तो उसको थोड़ा सा भूनना होता है। तो
देखिएगा मैंने जो मूंगफली को है ना वो अच्छे से भून लिया है और अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो मूंगफली वहाँ पे ठंडी हो रही है तो अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ये देखो ये मैंने ना डिब्बे में बैटर रख दिया था, जो डोसा का बैटर होता है ना वही है। और इसमें इसमें राइस और उड़द दाल है और बस नमक है तो बस इतना ही है। तो अभी मैं यही बैटर यहाँ पे लेती हूँ तो इस बाउल में मैं जितना चाहिए ना उतना ही मैं ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले लूँगी। तो ये बैटर जो है ना वो मैंने थोड़ा सा रख दिया है क्योंकि मैं कल ब्रेकफास्ट के लिए भी बना लूँगी। तो आपको क्या करना है ऐसे ही बैटर ऐसे डिब्बे में ना अच्छे से रखना है, फ्रिज में आराम से रह जाता है। तो ये देखिएगा ये बैटर है और मैं फिर से थोड़ा सा मिक्स अच्छे से कर लेती हूँ। ये देखो ये इस तरह से है। अभी ना हमें इस बैटर में ये जो गुड़ है ना वो डालना है। तो पहले मैं इस गुड़ को ना अच्छे से पीस लूंगी। तो ये देखो ये किसनी पर मैं पीस लूंगी क्योंकि हमें स्वीट अप्पे बनाने हैं तो इसके लिए हमें इसमें जो गुड़ है वो यूज करना है। तो आपको जितने स्वीट चाहिए ना अप्पे उतना ही आपको गुड़ लेना है। तो मुझे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुझे स्वीट पसंद नहीं आता तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ डालूंगी। अभी मैं यहाँ पे ना इसको मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद ना हमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसको फिर से मिक्स कर देती हूँ। सो ये देखो तो यहाँ पे जो गुड़ है ना वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं यहाँ पे ये जो मूंगफली है ना इसका कवर निकाल देती हूँ क्योंकि ये मूंगफली अभी ठंड हो चुकी है। यहाँ पे देखिएगा मैंने जो मूंगफली का जो कवर होता है ना वो निकाल दिया है। अभी हमें क्या करना है इन मूंगफली को ना दो पीसेस में करना है। ये देखो ये ऐसे करना है। आप मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। आप अगर अखा मतलब पूरा चाहिए तो आप पूरे भी डाल सकते हो, पूरे भी ले सकते हो या फिर और भी छोटे छोटे स्लाइस चाहिए इसके तो आप यहाँ पे ना कूट कर भी ले सकते हो। बट मुझे ना यहाँ पे ऐसे वाले पसंद आते हैं। ये देखो तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया है। अभी ना मैं यहाँ पे ये बैटर ले लूँगी और इस बैटर में ये जो मूंगफली है ना भुनी हुई मूंगफली है ये हमें डालनी है। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसमें डाल सकते हो। पे इतनी डाल ली है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखिएगा मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको। अभी ना यहाँ पे हमें पैन लेना है, जो अप्पे का पैन होता है ना वही लेना है। तो मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और पैन को ना हमें थोड़े देर तक ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और ये जो अप्पे हम बनाते हैं ना वो लो फ्लेम पर ही बनाने हैं ताकि वो अच्छे बने। तो यहाँ पे पैन ना अच्छे से गरम हो गया है। अभी मैं इसमें ना इसको ऑयल डाल दूँगी, मतलब लगाना है हमें यहाँ पे इस तरह से हमें लगाना है।
तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो लगा दिया है। अभी ना मैं यहाँ पे ये जो बैटर है ना वो इसमें डाल दूँगी। अभी ना मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। थोड़े देर के बाद ना हमें यहाँ पे ढक्कन खोलना है। ये देखो ये आपको जो स्वीट अप्पे है ना ये आपको इस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे जो अप्पे है ना वो रेडी हो चुके हैं। सो गाइस मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और बस इसी तरह से हैप्पी रहिएगा।